नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बीरेश वर्मा, ट्रेजरी ऑफिसर 2016 बैच, वर्तमान समय में वित्तीय लेखाधिकारी के पद पर जनपद अयोध्या में कार्यरत हूँ। तैयारी के दौरान विभिन्न प्रकार के विषयों और विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से काफ़ी कुछ अनुभव प्राप्त हुआ, तो उन अनुभवों को जीवंत करने के लिए और आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने में जो है कुछ मदद कर पाऊंगा। तो सिविल सेवाओं के पाठ्यक्रम पर टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने के पूर्व कुछ रणनीतियों पर चर्चा करना आवश्यक है, जिससे कि तैयारी के संदर्भ में आपकी एक समझ विकसित हो सके। क्योंकि जब तक हम बेहतर तरीके नहीं खोजेंगे, बेहतर तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन नहीं बना सकते हैं। जैसे कि युद्ध तभी बेहतर किया जा सकता है जब हम बेहतर हथियार का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक कि इस चैनल के अंतर्गत कैसे पढ़ा जाए और पढ़ने योग अध्ययन करने के बीच अंतर, तथा तीसरा पॉइंट हमारा है कि तैयारी के आयाम, डायमेंशंस ऑफ प्रिपरेशन। तो हम इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से अपने स्टडी मटीरियल का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हाउ टू रीड, पढ़ना। पढ़ना एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय वस्तु को जब वो हमारे सामने आता है तो हम उसका प्रोनंसिएशन करते हैं और कुछ समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त होती है। रीड ओनली द लाइंस, यानी कि केवल पंक्तियों को पढ़ा जाता है और कुछ चीजें उसके माध्यम से समझ भी आती है। और दूसरा टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रीडिंग। बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिविल सेवाओं की तैयारी करने के दौरान हम इसे उतारने का जो है व्यवहार में प्रयास करते हैं। तो इसमें पढ़ने एवं अध्ययन करने के बीच अंतर देखा जाता है। अध्ययन करने में पढ़ना भी शामिल है और इसके साथ साथ मनन किया जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है और निष्कर्ष को अपने मन और मस्तिष्क में रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि कहीं साक्षात्कार के दौरान, कहीं भी किसी बातचीत करने के दौरान, सिविल सेवाओं के जीएस के पेपर में उत्तर लिखने के दौरान उन सामान्यकरण का हम प्रयोग कर सकें। क्योंकि हम पूरे पाठ्यक्रम को रट करके जो परीक्षा नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रीड में हम अध्ययन पर जोर दें और अध्ययन के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का जो है प्रयास करें। तो ये डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड रीड, ये बेसिकली 1+2 के कॉन्सेप्ट पर, 1+2 के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी विषय वस्तु को अगर एक दिन पढ़ाई करते हैं तो उसे दूसरे दिन दोहराने का काम करें और एक हफ्ते के अंदर उसे तीसरी बार जो है रिवीजन करें। तो इस प्रकार से 1+2 के कॉन्सेप्ट पर हम अपने प्रिपरेशन के दौरान जो भी विषय वस्तु है उसकी तैयारी को पूर्ण रूप दे सकते हैं, उस पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसको अपने माइंड में ड्यूरेबल बना सकते हैं, लंबे समय तक बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, जिससे जो है काफी कुछ इस समस्या का निराकरण हो जाता है। काफी बच्चों के द्वारा इस बात की शिकायत की गई और बार बार पूछा भी जा रहा था कि पढ़ने के दौरान पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद बार बार जो है भूल जाता है। ये बार बार भूलने की समस्या इसी के कारण से होती है कि हम अध्ययन के पॉइंट तक नहीं पहुंचते हैं, उसको रीड करने के बाद छोड़ देते हैं, रीडिंग लगाकर छोड़ देते हैं, जिससे हमें उसके 30-40% जानकारी प्राप्त होती है और 1-2 दिन अगर नहीं पढ़ा जाता है तो वो चीज़ें पुनः भूल जाती हैं। तो इसलिए हमको ये कोशिश करना है कि किसी चीज़ को पढ़ने के बाद वो हम अगले दिन उसका अध्ययन करें और पुनः जो है 1 सप्ताह के अंतर्गत तीसरी बार उसका रिविजन कर लें। तो ये 1+2 के कॉन्सेप्ट पर आपका अध्ययन आधारित है और इस तरीके से अध्ययन करने के बाद वो ड्यूरेबल हो जाता है माइंड में, और कहीं पर भी चाहे वो तथ्यात्मक परीक्षा हो, जैसे प्री के एग्जाम है, और चाहे वो मेंस के एग्जाम है, तो हम उसको एक निष्कर्ष के रूप में अपने माइंड में रखने में जो है सफल होते हैं, जिससे एग्जाम को प्रभावी ढंग से हम लिख पाते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी के दौरान ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अध्ययन करने पर हमें जोर देना है। अब ये बात और है कि हमारे अध्ययन करने का लक्ष्य जो है वो रीडिंग के माध्यम से बढ़ता है, क्योंकि रीडिंग पहले होगा, उसके बाद हम मनन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए
तो ये दूसरा टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमें जो है पढ़ाई करने के दौरान रीडिंग की अपेक्षा स्टडी पर, अध्ययन मनन निष्कर्ष पर ज्यादा जोर देना है, और ये हमारा अध्ययन हमेशा 1+2 के कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर, डायमेंशंस ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी के आयाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर अध्ययन ये बताता है कि हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए और किन किन तकनीकों का प्रयोग करते हुए पढ़ना चाहिए, वहीं पर तैयारी का आयाम ये बताता है कि किसी भी विषय वस्तु, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी परीक्षा के लिए जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो हमारी तैयारी है, वो तैयारी हमारी तभी पूर्ण हो सकती है जब हम उसके कई आयामों को अपनाएं। क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग परीक्षार्थियों की अपनी तैयारी करने के, पढ़ने के, अध्ययन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आयाम आप लोगों को बताया जा रहा है वो पूर्ण आयाम है। वो ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से उस विषय को पूरी तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। तो तैयारी के आयाम के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे देख लेना आवश्यक है। इसमें पहला है अवधारणात्मक समझ। नंबर 2 है स्मरण करना। और नंबर 3 है ट्रिक। यूट्यूब पर या इसी तरीके से क्लासेस के दौरान कई बार ये देखा गया है कि कुछ लोगों ने केवल ट्रिक से पढ़ने का तरीका बताया, कुछ लोगों ने केवल रटने पर ही जोर दिया, और कुछ लोगों ने केवल कॉन्सेप्ट डेवलप करने पर जोर दिया। आप अपनी तैयारी को पूर्ण रूप कभी भी केवल एक बिंदु के माध्यम से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, वो बहुआयामी है। उसके कई प्रकार के स्वरूप हैं, कई प्रकार हैं। कुछ करंट से रिलेटेड है, कुछ साइंस टेक से रिलेटेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इसी तरीके से काफ़ी कुछ आयाम है। और इन सभी आयामों को पूरी तरीके से हम तैयार कर पाएं वो किसी एक बिंदु में शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें तैयारी के दौरान इन तीनों ही बिंदुओं को जो है अपनाने का प्रयास होना चाहिए और अपनाना चाहिए, तब हम अपनी तैयारी को पूर्ण रूप दे पाने में सफल होंगे। तो आइए हम एक एक करके इसके अंतर्गत कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला बिंदु हमारा है अवधारणात्मक समझ। अवधारणात्मक समझ का तात्पर्य है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक अवधारणात्मक समझ सामान्यीकरण पर बल देता है, जिससे हम उसके निष्कर्ष को निकालते हैं और उसे अपने माइंड में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई भी टॉपिक हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे वैश्विक उष्मन है या ग्लोबल वार्मिंग है, यह एक टॉपिक है। अब इसे हम अवधारणात्मक समझ के अंतर्गत समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यह टॉपिक इस तरीके से बन जाएगा अवधारणात्मक समझ के अंतर्गत, इसके एक अर्थ हो जाएंगे, वैश्विक उष्मन के कारण हो जाएंगे, इसके दुष्प्रभाव हो जाएंगे, इसके उपाय हो जाएंगे। वैश्विक उष्मन से निपटने के लिए बाधाएं हो जाएंगी और उपाय हो जाएगा, अंत में जो है निष्कर्ष। वैश्विक उष्मन एक अवधारणा है और ये अवधारणा इन बिंदुओं से मिल करके बनी होती है। अगर हमें वैश्विक उष्मन पर लिखना हो, बोलना हो, समझाना हो, बताना हो, तो हम बेसिकली इन बिंदुओं का सहारा लेते हैं और इसके माध्यम से
अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कहीं क्लास हो या कोई एग्जाम हो या निबंध हो, इन सभी प्लेटफॉर्म पर हम इस पैटर्न में उसको रखने का प्रयास करते हैं। तो हम अगर वैश्विक उष्मन की तैयारी इन बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं तो ये कहलाता है अवधारणात्मक समझ। हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि हम किसी भी पाठ्यक्रम को, किसी भी विषय वस्तु को इसके माध्यम से देखने और तैयार करने का प्रयास करें, क्योंकि इस तरीके से जो तैयारी होती है वो व्यापक आधार प्रदान करता है आपकी तैयारी को, लिखने में आसानी आपको लिखने में जो है मदद करता है। और दूसरा इसका बिंदु है स्मरण करना। इसको कुछ लोग याद करना या कुछ लोग रटना भी कहते हैं, ये सही तरीका नहीं माना जाता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम अवधारणात्मक समझ विकसित कर रहे होते हैं तो कम से कम अवधारणात्मक समझ में जो है मूल बिंदुओं को, जैसे ये सारे बिंदु बताए गए, इनको आपको याद करना पड़ेगा कि कम से कम हम इन बिंदुओं को इसमें शामिल करें, जिससे कि हम अपने अवधारणात्मक समझ के अंतर्गत मूल टॉपिक को पूर्ण रूप प्रदान कर सके। तो इस तरीके से स्मरण करना भी आवश्यक होगा। जैसे अगर हम इसके कारण पर चर्चा करें तो इसके कई कारण होंगे और इस कई कारणों को आपको याद करना पड़ेगा, जिससे आप अपनी परीक्षा में अपने उत्तर को सब सीमा के उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर पाएंगे जो एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करता है, जो कमीशन आपसे अपेक्षा करता है, जो परीक्षा आपसे अपेक्षा करता है। जैसे कारण में हम इसमें देखेंगे तो कई कारण हो सकते हैं वैश्विक उष्मन के, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, वृक्षों की या वनों की कटाई, जनसंख्या का नियंत्रित रूप में बढ़ना, उपभोक्तावादी संस्कृति। तो इस तरीके से कई टॉपिक हैं और इस टॉपिक को हम याद करने के बिंदु के अंतर्गत ही तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम अवधारणात्मक समझ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद करने के भी जो है विशेषता को हम अपने तैयारी से अलग नहीं कर सकते हैं और इसे भी अपनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये कम से कम प्रयोग होना चाहिए। हम सबसे अधिक अवधारणात्मक समझ पर ही बल देंगे, जिससे कि हम टॉपिक को बेहतर ढंग से समझ सकें। और तीसरा होता है ट्रिक, जब हम किसी भी विषय को इन दोनों बिंदुओं के अंतर्गत समझने में कठिनाई का सामना करते हैं तो वहां पर हमें ट्रिक का जो है सहारा लेना चाहिए। ट्रिक एक ऐसा तरीका है जो पूरी तरीके से गारंटी उस दौरान प्रदान करता है कि आपको वो चीज याद हो जाएगी, और वो किसी न किसी फार्मूले के रूप में जो है आपके सामने होती है, जिससे कि वो परीक्षा में जो आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करता है, क्योंकि ट्रिक के अंतर्गत याद की गई चीजों को आप भूलते नहीं है। जब ट्रिक याद होगा तो पूरी के पूरे चीजें उससे, जितनी भी अवधारणाएं, जितने भी विषय, जितने भी वर्ष, जो भी चीजें होंगी, लेखक के नाम, किताबों के नाम, दवाओं के नाम, रोग के नाम, वो सारी चीजें आपको उस समय रिमाइंड हो जाएंगी। लेकिन इसकी एक नकारात्मक भी बात होती है कि अगर वो भूल जाता है तो सारी चीजें जो है भूल जाती हैं। तो इस तरीके से हमें इसका सहारा उस परिस्थिति में लेना चाहिए जब हम अवधारणात्मक समझ और स्मरण करने के जो है बिंदु से किसी भी विषय की तैयारी ना कर सके। इसमें हम तथ्यों पर जो है, तथ्यों को, वर्षों को, किताबों के नाम को देखते हैं। अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको बताने का जो है प्रयास करते हैं। ट्रिक, जैसे जीवाणु जनित रोगों के नाम अक्सर परीक्षा में, छोटी परीक्षाओं से लेकर की बड़ी परीक्षाओं में भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार मिलान के लिए आता है, कई बार कूट के लिए सवाल पूछे जाते हैं, कारण कथन कारण में भी ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो ये अगर हम ट्रिक के रूप में चीज़ों को अपने अपने तरीके से जो है याद कर लें तो इसे याद करने में और तैयारी करने में जो है काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ट्रिक के माध्यम से इसकी जो है
तैयारी की जा सकती है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि बैक्टीरिया जनित रोगों को हम ट्रिक के माध्यम से सेट करने का प्रयास करते हैं। काफी शोध और रिसर्च के बाद ये स्वयं मेरे द्वारा भी जो है बनाया गया और विकसित किया गया जो है फार्मूला है, ट्रिक है। सुजाक को DPT और टिटनेस है, सुजाक को DPT और टिटनेस है। अब इसमें अंडरलाइन उन अक्षरों के सामने दिया जा रहा है जिनसे मिलकर के हम बनाएंगे। अंडरलाइन में जहां पर डैश लगाए गए हैं उनसे एक एक रोग का नाम बनेगा। जैसे सू से जो है यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं सुजाक ही। सुजाक भी एक प्रकार का रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। दूसरा जा से जो है जॉन्डिस हो जाएगा। तीसरा को से जो है इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो है कुष्ठ रोग हो जाएगा। इसी तरीके से डी से जो है डिप्थीरिया हो जाएगा। डिप्थीरिया और टी से टाइफाइड। टिटनेस में टी से टिटनेस से यहाँ पे पुनः टीबी। ना है न्यूमोनिया। उत्साह से सिफिलिस। और है से है जाए। इस तरीके से बैक्टीरिया से होने वाले रोग एक वाक्य में सभी शब्दों को विस्तृत करने के बाद प्राप्त हो जा रहे हैं। तो ये ट्रिक है जो आपके तैयारी में आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करता है और इन दोनों माध्यमों से तैयारी न होने वाले विषय वस्तु को आपको तैयार करने में मदद भी करता है। तो इस तरीके से हम अपने तैयारी को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि हम किसी एक माध्यम से अपने तैयारी को पूर्ण रूप नहीं दे पाते। कुछ लोग रटने में जो है माहिर होते हैं, रटने के माध्यम से, लेकिन वो कभी भी अवधारणा नहीं विकसित कर पाते हैं, वो कभी निबंध नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि कई बार लोगों ने ये कहा कि निबंध लिखने के द्वारा शब्द सीमा ही पूर्ण नहीं होता है, तो उनके पास अवधारणाएं नहीं होती हैं। अवधारणाएं मैंने अभी पूर्व में बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मन पर किस तरीके से आपके पास अवधारणाएं होनी चाहिए, क्योंकि उन अवधारणाओं के माध्यम से ही आप अपने विषय वस्तु को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं और परीक्षा में शब्द सीमा के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अवधारणात्मक समझ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और अवधारणात्मक समझ भी मूल बिंदुओं को समाहित करता है जो स्मरण पर आधारित है, और इन दोनों बिंदुओं के माध्यम से जो भी चीजें छूट जाती हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम तैयार कर लेते हैं। और इसमें ट्रिक के माध्यम से तैयार कर लेते हैं, और ट्रिक एक ऐसा जो है ऐसी विशेषता है कि इस विशेषता के माध्यम से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, और इसमें सभी विद्यार्थियों की अपनी अलग अलग जो है तरीके होते हैं जिसके माध्यम से वो इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है, समझता है, निष्कर्ष निकालता है। तो इस तरीके से तैयारी करने के दौरान हम पढ़ने से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि केवल पढ़ाई करने से, पढ़ने से जो है वो चीजें अस्पष्ट नहीं होती हैं, और हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अध्ययन पर बल देना है, क्योंकि अध्ययन पढ़ने के बाद मनन और एक निष्कर्ष पर आधारित होता है, और अंतिम है तैयारी के आयाम, और इस तैयारी के आयाम में ये तीनों चीजें शामिल हैं,
इन तीनों चीजों का सहारा लेना चाहिए और इसके माध्यम से हम अपनी तैयारी को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं और अपनी परीक्षा को पूर्ण रूप में तैयार करने में सफल होते हैं। अगले स्पेशल प्लेटफॉर्म पर ये पहला वीडियो तैयारी करने के तरीकों से संबंधित है। आगे आने वाले समय में पाठ्यक्रम से संबंधित जो है टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट होंगे और ये पहला वीडियो इसलिए प्रारंभ किया गया ताकि आप लोग पढ़ने के तरीके बेहतर ढंग से विकसित कर सकें, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम तैयारी को पूर्ण रूप प्रदान करते हैं। और रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में सभी वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।